कुछ टाइम पहले अभी मैं लाइव आया हुआ था और काफ़ी सारे जो बच्चे हमारे पर्सनल काउंसलिंग में भी हैं, AKTU, UPTU, UPTECH की बात करें, जिसकी BTECH की काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है, उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेकर काफ़ी परेशान है कि आखिर हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, क्या क्या डिटेल्स मांगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, कैसे हमें फिलअप करना है, कहाँ पे कौन सी सावधानियों को रखना है। सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टूडेंट्स बस की इस न्यू फ्रेश वीडियो में। आज से 4-5 साल पहले मैं भी आप लोगों की तरफ बहुत ही परेशान हुआ करता था। उस टाइम पर बहुत ज़्यादा चैनल्स नहीं थे, बट आप लोग को प्रॉब्लम या फिर किसी भी प्रकार की परेशानी ऐसा कोई भी सामना करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के इस वीडियो में कम्प्लीटली मैं बात करने वाला हूं कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे आखिर रजिस्ट्रेशन करना होगा। साथ में जो भी स्टूडेंट को अगर थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम आती है, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि मैं भी अभी आज मेरा 4 साल कंप्लीट हो गया यूट्यूब पे एंड मैंने अपना BTECH REC बिजनौर से कंप्लीट किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप लोग की प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ और क्या बच्चे जनरली मिस्टेक्स करते ही करते हैं, तो वो भी चीज़ों को अभी सोल्यूशन आपको हमारी पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट में मिलता है। बाकी आपके रैंक पर जो भी बेस्ट से बेस्ट कॉलेज हो सकता है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में हमारा स्टूडेंट्स बस जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फ्री काउंसलिंग अपडेट्स एंड जो भी आगे इन्फॉर्मेशन आती है वहाँ पे आपको सबसे पहले मिल जाता है। बाकी यूट्यूब पे तो आपको सब्सक्राइब कर ही लेना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक जो सबसे बड़ा यहाँ पे टिप देना चाहूँगा कि काउंसलिंग में दो चीज़ों को हमेशा ध्यान में रख के चले, एक तो पेशेंस और जो भी आप वहाँ पे चीज़ों को फिलअप कर रहे हैं उसको बार 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 चेक कर ले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जल्दीबाजी में या फिर कुछ भी अगर आप मिस्टेक फिलअप कर देते हो तो फिर आप उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हो और उसके लिए करेक्शन विंडो भी ओपन नहीं होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि UPTECH या फिर AKTU की जो काउंसलिंग हो रही है इसकी लास्ट डेट जो है वो आपका 10 जुलाई है और आपको केवल 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए मौका मिल रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि आप अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किए 10 जुलाई तक तो फिर आप सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड या फिर फर्दर राउंड्स जो आपके होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, तो ऐसा कोई भी आपके लिए टाइमिंग नहीं मिलेगा। केवल आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उसी में आपको सारा चीज़ करना है, आपका चॉइस फिलिंग एंड एवरीथिंग। अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपका जो चॉइस फिलिंग का या फिर जो शेड्यूल है वो पूरा नहीं आया है, जैसे ही आएगा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बाकी अगर आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे हमारा 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट का लिंक है, जाइए वहाँ पे इनरोल कर लीजिए, आपको मैं खुद कॉन्टेक्ट कर लूँगा एंड आपको जो सारे फीचर्स देख रहे हैं सारा का सारा आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके स्टार्ट करते हैं कि आपको कैसे कंप्लीट अपना रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टार्टिंग टू पेमेंट तक कैसे करना होगा, क्या क्या स्टेप्स को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, सबसे पहले आपको वहाँ पे क्लिक करने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, कर लेना है। उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, तो यहाँ पे आपको अपना JEE मेन का एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर जो भी है, और यहाँ पे सिक्योरिटी पिन आपको डालना है और आपको सबमिट करना है। तो सबमिट पे करते ही आपके स्क्रीन पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस नज़र आएगा। अब इसको आप मोबाइल से भी कर सकते हो और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है, न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है जहाँ पे जैसे कि आपको पता है स्पेशल कैरेक्टर एंड यहाँ पे आपका कैपिटल, स्मॉल लेटर, आपका न्यूमेरिक, ये सारा चीज़ आपका होना चाहिए आपके पासवर्ड में। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे फर्दर सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल पे एक OTP जाएगा जो यहाँ पे आप डाले रहेंगे, जो आपका JEE मेन के फॉर्म फिलिंग के टाइम पे रहेगा, क्योंकि सारा ऑफिशियल कम्युनिकेशन आपका ईमेल से होता है, तो ईमेल बहुत अच्छे से डालिएगा, कोई मिस्टेक मत करिएगा, अदरवाइज आपका बहुत ही ज़्यादा आगे प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ से OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई कर लेना है मोबाइल नंबर को। वेरीफाई एंड सबमिट क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, इमेज अपलोड, फाइनल सबमिट के पहले आपको यहाँ पे प्री रिव्यू या फिर फाइनल चेक करना चाह रहे हैं तो आप फाइनल एक बार अपना सारा डिटेल चेक कर लेंगे एंड फिर आपको पेमेंट करना होगा रजिस्ट्रेशन फ़ीस, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल होता है 1000 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन जो एग्जामिनेशन है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ क्लास 12, तो जो बच्चे यहाँ पे पास आउट हो चुके हैं और उसका आपका स्टेट कहाँ से आपने क्लास 12 पास आउट किया है, तो उस स्टेट का नाम और आपका डोमिसाइल कहाँ का है। अगर आप आउटसाइड UP के हैं, जहाँ के हैं वो सेलेक्ट करिए, कैटेगरी सेलेक्ट करिए। अगर आप स्पेशली किसी सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप फ्रीडम फाइटर या फिर PWD कैंडिडेट हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करिए, अदरवाइज नो पे सेलेक्ट करिए।
और अगर आपको ट्यूशन फी वेवियर चाहिए तो आप यस कर सकते हो, अदरवाइज नो कर सकते हो। रूरल वेटेज पे आप सिंपली नो कर सकते हो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, और सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देना है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देख रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड यहाँ पे अब आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स लाइक आपका क्लास 12 का सारा डिटेल फिलअप करना होगा। तो आपका जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट है 5, आप यहाँ पे उसका डिटेल सबमिट कर सकते हो, मैक्सिमम मार्क्स और आपका उसमें आपने कितना मार्क्स पाया हुआ है एग्ज़ाम में और आपका कौन सा पासिंग ईयर है। तो ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे सबमिट करना है, आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज निकल जाएगा। एंड इसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे आपको अपना कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपका गांव और विलेज अगर मैं बात करूँ, या फिर आपका सिटी, सब लोकेलिटी, थाना आपका कहाँ पे है, उसके बाद आपका पिन कोड, स्टेट और आपका डिस्ट्रिक्ट, एंड सेम एज कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस भी नीचे आपको टिक इस पर कर देना है। तो इससे क्या कि आपका ऊपर का सब कुछ नीचे आ जाएगा, ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। एंड आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। अब आपको क्या करना है, बेसिकली आपका जो क्लास 10 की मार्कशीट रिजल्ट है, क्लास 12 का मार्कशीट रिजल्ट है, इनकम सर्टिफिकेट जो है, और आपका जनरल EWS या फिर जो भी आपका कैटेगरी है जो कि आपका 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। मैंने आपका जो डॉक्यूमेंट्स की वीडियो आज से 3 वीक पहले ही बना रखा था, इसीलिए कि आप लोग पहले से प्रिपेयर कर लीजिए। तो जो बच्चे अच्छे थे वो पहले से प्रिपेयर कर लिए होंगे। और आपका एडमिट कार्ड और जेई मेन का स्कोर कार्ड यानी रिजल्ट, ये आपको अपलोड करना होगा अब। और आपको बता दूं कि इसकी जो साइज़ है ये आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। इसकी मिनिमम साइज़ जो है वो आपका 50 KB और मैक्सिमम आपका 500 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। बाकी आप में से किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है रजिस्ट्रेशन करने में, काउंसलिंग में, आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे इतने चॉइसेस को फिलअप करेंगे, तो आप डेफिनेटली हमारी काउंसलिंग में इनरोल करिए। नीचे आपको रेजर पे का लिंक मिल जाएगा, और मुझे खुशी होगी कि आपको अपना पसंदीदा जो भी आप डिजर्विंग कॉलेज है उसको दिलवाने में आपकी मदद करके। देखिए ये सब चीज़ करने के बाद आप जब डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे तो आपको अपना पेमेंट कंप्लीट कर लेना है, और आपको अपना ईमेल फिर से वेरीफाई कर लेना है अगर आपने नहीं किया है तो। देखिए एक बार जब आप सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेंगे, पेमेंट कर लेंगे, तो आपका ये आपका जो पूरा चीज़ है ना, ये आपका कंप्लीटेड लिख देगा। देन आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा। तो चॉइस फिलिंग आपको कैसे करना रहेगा उस पर आपको डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए मुझे, जिससे आप मेरे साथ पर्सनली वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, और टेलीग्राम पे आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए और आने वाली वीडियो का इंतज़ार करिए, और लाइव भी हमारे साथ आप यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारा नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि यूट्यूब पे भी आपके लिए लाइव आऊँ। लास्ट में बस आपसे एक ही बात बोलूँगा कि ये काउंसलिंग बार बार नहीं आता है, तो धैर्यपूर्वक ही सारी चीज़ें करें। अगर आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो डेफिनेटली आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। बाकी आपको चैनल पे और प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, लास्ट ईयर की भी प्लेलिस्ट है तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी हमारे चैनल पर आगे भी। थैंक यू एंड धन्यवाद।